अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं हम लोग? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यू यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम कैसे इनेबल करें। ठीक है, लाइव का ऑप्शन होता है, वो कैसे इनेबल करें। अगर आपका चैनल बिल्कुल न्यू है और उस पर आपने अभी तक जो ना लाइव का फीचर जो है अभी तक इनेबल नहीं किया है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखें। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये फीचर जो ना इनेबल कैसे होता है। तो आई होप इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप अपने चैनल पे ये लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन जो है वो इनेबल कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी क्लिक करें, जैसे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं ये इस फीचर का। ठीक है, ये फीचर जो है ना लाइव फीचर जो है वो कैसे इनेबल होता है। जैसे कि अभी जो ना ये बिल्कुल न्यू चैनल है, मैं आपके सामने ओपन करके रखा है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि गो लाइव पे हम जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो ना वो ऑप्शन अभी तक जो ना वो डिसेबल दिखाई देगा। ठीक है, आपको कुछ यहाँ पे लिखा होगा, वो ऑप्शन आ जाएगा कि आप जो ना लाइव स्ट्रीम इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ। ठीक है, इनेबल। तो एक तो यहाँ पे आपको ये इनेबल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप क्लिक करके जो ना इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये दूसरा जो ना आपको क्या करना है कि स्टूडियो डॉट यूट्यूब डॉट कॉम ओपन कर देना है। ठीक है, यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर देना है। दोस्तों, अगर आपके पास मोबाइल है तो भी कोई बात नहीं, आप मोबाइल पर ये सेम तरीका यूज़ करके जो ना आप ओपन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मोबाइल के अंदर आना है और मोबाइल का ब्राउज़र ओपन कर देना है, और वहाँ पे डेस्कटॉप साइट ओपन करके आपको जो ना वो वाइटली स्टूडियो ओपन कर देना है वहाँ पे, और चैनल वो ओपन करना है जो आपका चैनल जो है ना वो वहाँ पे अकाउंट जो है वो लॉगिन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन मिले आएंगे, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल रहे हैं, आपको चैनल पे क्लिक करना है। ठीक है, चैनल पे क्लिक करने के बाद एडवांस ये फीचर एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको ये तीन ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट फीचर्स जो ना इस पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, ये हम एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको जो ना आगे वो करेंगे, वो चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो ये जैसे आप जो ना इनेबल करोगे तो आपको वीडियोस, आप 15 मिनट से ज़्यादा जो ना वो वीडियो रख सकते हैं। उसके बाद कस्टम थंबनेल का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद जो ना लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद जो ना अपीलिंग कंटेंट आईडी क्लेम्स का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद अब दो देखें आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वेरीफाई फोन नंबर पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि अपना मोबाइल नंबर लगाएं। ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, जो भी आपकी कंट्री है, यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लगाना है। तो हमें अपना मोबाइल नंबर जो है ना वो लगा देता हूँ, आपको अपना मोबाइल नंबर लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना आपको गेट कोड पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे गेट कोड पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो मोबाइल पे जो ना डिजिट आएगा, ठीक है, 6 डिजिट्स आएंगे, वो यहाँ पे आपको जो लगा देना है। ठीक है, ये कुछ टाइम लगाएगा, अभी तक मेरे पास नहीं आया ये, जैसे मेरे पास ये अभी आ गया मैसेज। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। ये मैंने लगा लिया है, और उसके बाद मैंने सबमिट पे जैसे क्लिक करता हूँ, जैसे सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा आ गया है फ़ोन नंबर वेरीफाइड। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर फ़ोन नंबर इज़ नाउ वेरीफाइड। और अब देखें यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं और हम वापस जो है ना चले जाते हैं, हम जो है ना वापस यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे वापस आ जाते हैं, और देखें यहाँ पे हमारा ये जो है ना फीचर्ड, अब देखें ये पहले एलिजिबल था, पहले जो ना इनेबल नहीं थे, अब देखें ये चीज़ें जो ना इनेबल हो गई हैं। उसके बाद जो ना आपको इस पर क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद अब देखें यहाँ पे हम ट्राई करते हैं फिर से जो ना लाइव का ऑप्शन इनेबल हो गया है कि नहीं हो गया। देखें अभी देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 24 आवर्स के अंदर जो ना आपकी स्ट्रीम वाली जो रिक्वेस्ट है वो जो ना इस पे जो ना वो एक्सेप्ट हो जाएगी, उसके बाद जो ना ये ऑप्शन आपके पास इनेबल हो जाएगा। ये देखें टाइम अभी जो ना चल रहा है कि अभी ये 23 क्लाक, ठीक है, 59 मिनट्स हैं, उसके बाद जो ना ये रिक्वेस्टेड स्ट्रीम एक्सेस ऑन May 29 वंस इट्स अवेलेबल ऑन योर चैनल यू कैन स्केड्यूल स्ट्रीम्स और गो लाइव इंस्टेंटली। ठीक है, तो ये जो ना 12 क्लाक के, सॉरी 24 आवर्स के बाद जो ना ये इनेबल ऑप्शन हो जाएगा। तो उसके बाद आप जो ना आप इजीली जो ना अपने चैनल पे जो ना लाइव स्ट्रीम्स वगैरह कर सकते हैं। तो आई होप ये फीचर जो ना आपने तरीका मैंने जो बताया वो तरीका यूज़ करके आप अपने चैनल पे लाइव ऑप्शन जो ना वो इनेबल कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी क्लिक करें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ जो ना डेली बेस पे अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँ, ताकि उस वीडियो की अपडेट जो ना सबसे पहले आपको मिल सके।
आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेंगे, तब तक टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।